नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो कोई भी पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम साइन जो फंक्शन ले लेते हैं या सिनसोइडल वेव की बात कर लें, इस तरह की ये होती है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, इस तरह का मोशन जो है यानी कि पीरियोडिक मोशन हो, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो, अपने आप को वो रिपीट करे, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है हमारा इस तरह का होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, किसी तरह से आप कह लीजिए। तो जो पार्टिकल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो दो तरह की एनर्जी जो है उस पार्टिकल के अंदर होती है। कौन कौन सी? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के कारण मीन पोजिशन से। अब मीन पोजिशन कौन सी होती है हमारी? मीन पोजिशन ये होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाई, और यहाँ पर आप टी दिखा सकते हैं। ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस के अंदर। तो ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्टिकल के फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा। इसी तरह से जो हमारी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्टिकल की जो मीन पोजीशन से है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी वेलोसिटी के कारण होती है किसी भी पार्टिकल के अंदर, ये भी हम जानते हैं। दोनों एनर्जीज के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट के कारण से है। जैसे वैसे हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए सरफेस से अगर आप हाइट की तरफ ले जाते हैं, वही बात है पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी गति के कारण होती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के कारण होती है, ये हमको सब पता है। अब टोटल एनर्जी की बात करें अगर, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम फ्रिक्शनल जो फोर्सेज हैं उनको नेगलेक्ट कर दें, जो भी फ्रिक्शन फोर्स है इस पार्टिकल के मूवमेंट में या चलने में जहां पर भी आ रही है उसको नेगलेक्ट कर दें, तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी इन दोनों एनर्जी का सम होगी। यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम होगी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम मान लेते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, इस तरह से हम मान लेते हैं, और वो इस तरह का जो है मोशन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ये दिखा देते हैं हम टाइम है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका हम मास ले लेते हैं, कि जो पार्टिकल का मास है वो m मान लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पार्टिकल है उसका मास m है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड है वो हम a मान लेते हैं, और एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी है उसको ओमेगा मान लेते हैं। तो एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम मान लेते हैं ओमेगा, और हम ले लेते हैं जो टाइम जो हमने लिया है, ये क्या लिया है, यानी कि 30 सेकंड के बाद जो है हम मान रहे हैं कि पूरा एक ये इस तरह से एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, या कहेंगे पूरी एक ओसिलेशन कंप्लीट होती है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, अगर हम देखें इस तरह की वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारी रिलेशन होती है, तो हम किससे दिखाते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस तरह की वेव के लिए वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, साइन जो फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी टाइम जो है हमारा जितना भी जो टाइम हमने लिया है सेकंड के अंदर। तो वाई हमारी ए साइन ओमेगा टी के बराबर हम दिखाते हैं, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि वी जो है डी वाई बाई डी टी आ जाएगी। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप वेलोसिटी का टाइम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dv by dt आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हम पहले जो पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, जो नेगेटिव साइन हमने देखा था, नेगेटिव साइन क्यों होता है? नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये किसका प्रोजेक्शन होता है, हमारे एक पार्टिकल जो कि रेफरेंस ऑफ सर्कल पर घूम रहा है। इस तरह से मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है, इसके ऊपर इसी का प्रोजेक्शन हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब जो ये हमारी एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली टुवार्ड्स जो है मीन पोजीशन होती है। अगर वर्टिकल पे देखेंगे इस तरह से, हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे इस तरह से, यानी कि डायरेक्टली टुवार्ड्स मीन पोजीशन होती है ये जो एक्सेलरेशन है। तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये हम पहले जो है हमने लेक्चर में ये सब कुछ समझा था। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप कोई भी मोशन लेते हैं इस तरह का, टू एंड फ्रो मोशन। मान लीजिए आप एग्जाम्पल लें, इसके अंदर कोई एक स्प्रिंग है जिसके साथ आपने एक मास को अटैच कर रखा है, इस तरह से एक मास को अटैच कर रखा है, ये इस टाइम मीन पोजीशन पे है। आप इसको खींचते हैं यहाँ पर, तो जब आप इसको खींचते हैं इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जमा होती है जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि आप उसको माइनस के एक्स लिखते हैं।
यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर यहाँ पर जमा होती है। यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी इस केस के लिए हम जो ले रहे हैं वो होगी हमारी एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। अब जो मास है हमारा वो हमने क्या लिया है, एम ही है, यानी कि जो मास है पार्टिकल का वो तो एम ही हमने लिया है। जो एक्सेलरेशन है, अब जो एक्सेलरेशन है उसको आप किससे डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन जो आपने ये निकाली है यानी कि ओमेगा स्क्वायर जो वाई है, तो इससे आप डिनोट करेंगे जो एक्सेलरेशन है। तो ये हो गई हमारी ओमेगा स्क्वायर वाई, इसके साथ माइनस साइन भी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यानी कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स जो आई मास इंटू एक्सेलरेशन हमने किया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट की तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई आई, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा तभी ये डिस्प्लेस होगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो जो हमारा वर्कडन है अगर आप वो निकालें तो वर्कडन हमारा क्या हो जाएगा, वर्कडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप स्मॉल वर्कडन की बात करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ डी वाई। माइनस का साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, तो इसलिए माइनस का साइन लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और माइनस का साइन हम वहां ले रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के वो बिल्कुल अपोजिट होती है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है अवे, ये इनकी तरफ होती है। इसी तरह से यहाँ पे जो वर्कडन है आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो एफ जो है माइनस की एफ इंटू डी वाई आप लेंगे, तो यहाँ पर ये रहेगा। और एफ को आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर एफ क्या जाएगा हमारा, एफ क्या है हमारा, जो कि ये हमने निकाली है एम ओमेगा स्क्वायर वाई जो है ये हमने निकाली है। और एम ओमेगा स्क्वायर वाई के अंदर भी अगर आप इसको एम ओमेगा स्क्वायर को, या कहें कि जो कि हमारा एम ओमेगा स्क्वायर है इस फॉर्म के अंदर, तो आप इसको क्या पुट कर सकते हैं, के पुट कर सकते हैं, यहाँ पे के ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यही होती है। और यहाँ पर के क्या है हमारा, ये हमारा हो जाएगा फोर्स कॉन्स्टेंट या फिर स्प्रिंग फैक्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको फोर्स कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे के पुट करते हैं तो यहाँ पर एफ क्या आ जाता है हमारा, एक तरह से देखें तो यहाँ पर ये आ जाता है माइनस के वाई, इसकी जगह एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने के पुट कर दिया, यानी कि ये चीज इंटू एक्स होता है। यहाँ इस केस में क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वाई है, तो यहाँ पर हम वाई ले रहे हैं इसको, तो माइनस के इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि इसी फॉर्म में हमने बना ली, के को हमने एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस जो एफ है हमारा, या एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि माइनस बाहर और एफ की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी के वाई, और इसके साथ बाहर क्या है यहाँ पे डी वाई है। अब माइनस बाहर है और माइनस ही अंदर है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के वाई डी वाई, तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू है हमारा इसके बराबर आ जाएगा। ये आप समझे किस तरह से आया, ये इस फॉर्म में हमने देखा, फिर हमने एम यहाँ पे जो मास इनटू एक्सेलरेशन है ये हमने पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर को के पुट कर दिया, इसी फॉर्म के अंदर रिलेशन बना ली। और अब हम जो वर्कडन निकाला हमने तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, के वाई डी वाई आ गई। अब अगर हमें टोटल वर्कडन निकालना है, तो स्मॉल वर्कडन है, अगर टोटल वर्कडन निकालना है हमें, अगर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, पार्टिकल को मीन पोजीशन से हम इसको ले रहे हैं, और जो हम मान लीजिए कि इसको इस तरह से डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आ गया, फिर जो है यहाँ आ गया, कहीं पर भी आप ले लीजिए, तो टोटल वर्कडन क्या आएगा पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के मीन पोजीशन से, किसी भी पोजीशन पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वाई आप ले रहे हैं, तो वो क्या जाएगा हमारा टोटल वर्कडन डब्ल्यू, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो से वाई, क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट तक हमें उसको पहुंचाना है, तो ये क्या है हमारा के वाई डी वाई, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा ये हाफ के वाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, यानी कि हाफ के वाई स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो वर्कडन है वो इसके अंदर जो है अगर हम देखें वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो हमारा इस हमारा डिस्प्लेसमेंट के कारण आ रहा है, वाई के कारण आ रहा है, जो वर्कडन हम कर रहे हैं इसके अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि एज ए डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर जब आप उसको वर्कडन आप कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर जो वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी की तरह अपीयर होगा, आपको जो दिखेगा उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ही वो अपीयर होगा। यानी कि यहाँ पर जो ये वर्कडन है आपने, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, सरफेस से आप कई पार्टिकल को ऊपर की तरफ उठाते हैं, आपने इसको हाई टच तक ले गए,
तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट के कारण से हुई, यहाँ पर भी वही है, डिस्प्लेसमेंट के कारण से है। अब इसीलिए ये हो जाएगी हमारी जो ये वर्क डन आपने किया है, एक तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी है जो पार्टिकल के अंदर स्टोर हो गई है, जब आप उसको एक हाइट तक लेके गए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट तक लेकर गए हैं, इस तरह से मान लीजिए वाई डिस्प्लेसमेंट तक लेके गए हैं, तो कहीं पर भी हम मान सकते हैं, अभी हम वाई डिस्प्लेसमेंट पर मान रहे हैं, तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर इतनी स्टोर हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है, अब यहाँ पर देखिए जो के और वाई है इनकी जगह अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें, तो के की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर, तो के की जगह आप पुट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गई एम ओमेगा स्क्वायर। वाई की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई की जगह ये है ए साइन ओमेगा टी, ये जो वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। तो आपको समझ आया हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एनर्जी स्टोर हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट के कारण ही उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये उसका रिलेशन आ जाता है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारा क्या होगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट टी अगर हम ले लें, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, ये वेलोसिटी के कारण होती है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब जो वी है, वी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो आप जो वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वी की वैल्यू क्या थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आप पुट कर देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगी, यानी कि अगर आप स्क्वायर को हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने देखी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने देखी। अब यहाँ पर जो है आप एक और काम कर सकते हैं, इसको एक और तरह से आप रिफॉर्म करके लिख सकते हैं, अगर आप एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख दें, तो एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख देंगे, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर को आपने के लिख दिया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा के ए स्क्वायर, यही आएगा, और क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, एम ओमेगा स्क्वायर को आपने के लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले माना था जो स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग हमारा कांस्टेंट कह लीजिए आप इसको, स्प्रिंग फैक्टर कह लीजिए जो, या फोर्स कांस्टेंट जो हमने अभी पीछे माना था, तो ये जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी तरह से अगर हम जो है मोशन के अंदर देखें, इस तरह का जो मोशन है हमने देखा था, तो इसके अंदर जो है अगर आप वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आती है, वाई बाई ए आती है, यानी कि ये जो वाई है, ये जो हमारा था ये डिस्प्लेसमेंट है वाई है, और ए एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो हमने ये इक्वेशन देखी थी इस तरह की फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर ये क्या थी हमारी, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं वाई बाई ए आ जाती है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं इसको सीधा, तो यानी कि हाफ के ए स्केयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपने यहाँ से वाई बाई ए पुट कर दी, इस जो ये हमारी रिलेशन थी। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हाफ के, अगर एलसीएम आप लेंगे तो ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, ए स्केयर बाहर आ जाएगा जो इससे कट आउट हो जाएगा, यानी कि अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ये बचेगा, तो यानी कि ये हो जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है। और यहाँ पर आप k की वैल्यू को दोबारा पुट कर दें m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये आ जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, वो आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हमने निकाली। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी, आप सीधा अगर लिखें उसको, हाफ के वाई स्क्वायर, ये आई थी k की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू ये है, k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास आई, इसकी जगह आप के पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या आ जाता है, हाफ के हमारे पास कॉमन आ जाता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लें, हाफ के वाई स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, हाफ
के ए स्केयर और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हाफ के वाई स्केयर। अब ये माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, इसे कट आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा, हाफ के ए का स्केयर। यानी कि अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो हाफ के ए स्केयर आती है, जहां पर के की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, एम ओमेगा स्केयर। यानी कि हाफ एम ए स्केयर ओमेगा स्केयर जो है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को भी पुट किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि हाफ के की जगह आपने एम ओमेगा स्केयर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ ए स्केयर आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू को भी पुट किया जा सकता है, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है 2 पाई न्यू को पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हाफ एम इसका स्केयर है, यानी कि हमारा जो 2 पाई न्यू है उसका स्केयर आ जाएगा। तो 2 पाई न्यू का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा ए का स्केयर। आप इसको फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2 टू 4 हो गया, पाई स्केयर बी स्केयर, और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा टोटल एनर्जी का, अगर आंसर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m π² v² और a² ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हाफ है, यहाँ पर ये m है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 4π² v² a², यहाँ पे ये 2 टू 4 हो जाएगा, यानी 2m π² v² a² आ जाएगा। ये जो है हमारी आ जाती है टोटल एनर्जी की वैल्यू। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारा जोड़ होता है। अब इसी तरह से जो है आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारी पूरी जो ये टोटल एनर्जी है, इनको आप टी इक्वल टू जीरो पर यानी कि मीन पोजीशन पर, और वाई इक्वल टू ए यानी कि एम्पलीट्यूड पर, यहाँ पर जीरो पर निकाल सकते हैं और ए पर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, चलिए वो हम देखते हैं। यानी कि जो U है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्केयर और उसके साथ हमारा क्या था, हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर और साइन स्केयर ओमेगा टी था, साइन स्केयर ओमेगा टी था। अगर आप टी की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो टी की वैल्यू का हम जीरो पुट करेंगे तो सारी जीरो हो जाएगी, यानी कि यू की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर, ये जो है हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ साइन जीरो था, यहाँ पे कोस स्केयर ओमेगा टी था, तो कोस जीरो वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर। तो इस तरह से आप जो है काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने टी इक्वल टू जीरो पे निकाली, टी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि ये जो मीन पोजीशन है, इसी तरह से जो है आप और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टी बाई फोर पर भी निकाल सकते हैं, 2t/4 पर भी निकाल सकते हैं। इस तरह से टी बाई फोर पर निकाल के देखें, टी बाई फोर पर जब आप इसको निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, टी बाई फोर का मतलब है कि एक तो मीन पोजीशन ली आपने जहां पर वाई हमारा जीरो था, एक आपने एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन ले ली, ये मैक्सिमम पोजीशन ले ली, मान लीजिए ए मान लें आप इसको, तो वाई को ए आप लिख सकते हैं मीन जो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वाई को ए पुट कर दें डायरेक्टली तो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से अगर हम देखें हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर ये आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, अगर हम उसको लिखें हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर थी, यही थी हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर, वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसी केस के लिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्केयर जो वाई स्केयर है, मेन पोजीशन के लिए वाई जीरो है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है जीरो आ जाएगी। इसी तरह से इस केस के लिए भी आप निकाल सकते हैं, इस केस के लिए जो है हमारा जो इक्वेशन बनी थी वो कहती हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बनी थी, तो यहाँ पर भी अगर वाई को जीरो पुट करते हैं तो यही इक्वेशन बचती है जो हमने निकाली है। किसी भी फॉर्म से निकाल लीजिए, इस फॉर्म से निकाल लीजिए, उस फॉर्म से निकाल लीजिए, तो यही वैल्यू आएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आएगी वो भी हम देख लेते हैं। ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली जो वाई को आपने ए पुट किया, पहले वाई को आपने जीरो पुट किया था मेन पोजीशन पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी जब वाई को ए पुट कर रहे हैं, हाफ एम ओमेगा स्केयर यही है ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो वाई की जगह ए पुट कर दिया यानी कि ए स्केयर माइनस ए स्केयर जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी जीरो आ जाएगी इस केस के अंदर।
और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, इन दोनों का जोड़ आ जाएगी। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगी। ये तो जीरो है, यानी कि इसके बराबर होगी टोटल एनर्जी इस केस के अंदर। यानी कि हम कहीं मेन पोजीशन के पास जो भी हमारे पास एनर्जी होगी, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो पे जो एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण होगी, जो कि हमने ये देखा टोटल एनर्जी। और यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे y इक्वल टू ए है, यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसकी जो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम करके आप टोटल एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।